नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। 22 जनवरी 2024 का वो दिन जब भगवान राम नव निर्मित भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में अयोध्या में 6 दिवसीय ज्योतिष महाकुंभ का भी आयोजन किया गया, जिसमें 28 देशों से सैकड़ों विदेशी ज्योतिषियों को भी शामिल होने यहां पर वो पहुंचे, जहां पर ये विदेशी ज्योतिषियों ने भी भगवान श्री राम के जमकर जयकारे लगाए। श्री राम के जयकारों से गूंजा अयोध्या, विदेशी मेहमानों से लगाए जय श्री राम के नारे, ज्योतिष महाकुंभ का आयोजन। 22 जनवरी 2024 का वो दिन जब भगवान राम नवनिर्मित भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, ये दिन देशवासियों के लिए ऐतिहासिक दिन होगा और इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बनने के लिए देश विदेश से लोग अयोध्या पहुँच रहे हैं। इसी कड़ी में अयोध्या में 6 दिवसीय ज्योतिष महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्र उपाध्यक्ष और प्रख्यात ज्योतिषी वैजयंत जय पांडा के नेतृत्व में 28 देशों के सैकड़ों विदेशी ज्योतिष शामिल होने पहुंचे हैं, जहां पर ये विदेशी ज्योतिषियों ने भगवान श्री राम के जयकारे लगाए। वही इस आयोजन को लेकर ज्योतिषी वैजयंत जय पांडा ने कहा कि भगवान राम हम सबके दिलों में बसते हैं। हम सबके लिए ये ऐतिहासिक पल होगा जब भगवान राम अपने घर में विराजमान होंगे। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की तरफ तेजी से अग्रसर है। हजारों वर्षों से सनातनी परंपरा था जब मर्यादा पुरुष राम ने रावण के खिलाफ युद्ध लड़े थे, तब भी ज्योतिष विद्या पर वो निर्भर थे और खास करके ज्योतिष शास्त्र देखकर सही मुहूर्त पे सब उनका प्रयास शुरू किए थे। तो मैं इसका ये नहीं कहूँगा कि ये नया है, मैं कहूँगा कि इसका पुनर्जन्म हुआ है और जो हमारे आत्मविश्वास बढ़ा है, ये केवल भारतीयों की नहीं है, पूरे दुनिया भर लोग भारत को प्रशंसा करते हैं, हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी को प्रशंसा करते हैं, हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में जो परिवर्तन आया है, भारत अभी भी एक विश्व गुरु के नाते देखा जा रहा है, जो कि इतिहास में रहा था लेकिन कई सदियों के लिए पीछे पड़ गए थे, हम दब गए थे। अब भारत की अर्थव्यवस्था में विकास के वजह से हम बदल गए हैं, हम वो देश नहीं रहे जो किसी भी संकट में दूसरों के मदद पर निर्भर करते थे, अब हम दूसरों को मदद करते हैं। कोरोना के समय से देखिए, आज के दिन आर्थिक सहायता हम कई देशों को पहुंचाते हैं, हमारे पड़ोसी देशों को और दूर दूर अफ्रीका में अन्य जगह में। भगवान राम की नगरी अयोध्या में देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं। ज्योतिष महाकुंभ में शामिल होने के लिए विदेश से भगवान राम के भक्त पहुंचे, जहां पर उनका कहना है कि राम के नाम की गूंज पूरी दुनिया में है। जो हो रहा है ये बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है सब लोगों के लिए, और आप जैसे आप देख सकते हैं देश विदेश से लोग आए हुए हैं। जैसे मैं अभी अभी 17 घंटे की फ्लाइट पार करके यहाँ पे आई हूँ, आप लोगों ने मुझे पकड़ा मैंने ड्रेस भी चेंज नहीं किया। तो देखिए हम लोग भाग के आ गए और सब विदेश लोग भाग के आते हैं। देखिए आप, ये भारतीय परंपरा ज्योतिष जी, इससे जुड़ने का क्या लाभ होता है, किस तरह से ये लाभ की बात नहीं है जी, क्योंकि दुनिया में सब कुछ लाभ से आधारित नहीं है, कुछ दिल की बात भी होती है। और जैसे कि बोलते हैं ना कि पुरुष इज लाइक पक्षी जिसके 2 पंखे होते हैं, एक आध्यात्मिक होता है और एक संसारिक होते हैं। तो हम सब अपना जो आध्यात्मिक पंखा उसको मजबूत करने के लिए यहाँ आए हैं। अयोध्या में ज्योतिष महाकुंभ का आयोजन पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा के संयोजन में चल रहा है, जहाँ पर उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस आयोजन को कराने का अवसर मिला। अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष का आयोजन मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता
गुरु आदरणीय पंडित संजय रथ जी हैं और उनके संयोजन में मेरे आयोजन में तकरीबन 28 देशों के लोग आए हैं, प्लस पूरे देश भर के लोग आए हैं। ऐसे 100 ज्योतिषाचार यहाँ पर शिक्षा दीक्षा अगले 5 दिन लेंगे। ये कल्पना इसलिए मेरे मन में आई कि भगवान राम सूर्यवंशी थे। सूर्य का ज्योतिष में बहुत बड़ा महत्व है, महत्व हर ग्रहों का है। ज्योतिष विद्या अपने भारत सनातन की मूल विद्या है, एक विज्ञान है। इसको ही देश नहीं पूरा विदेश जाने, ये शिक्षा पूरे विदेशों में फैले, इसके लिए आदरणीय संजय रथ जी ने काफी प्रयास किया है और उसका असर दिखा है कि इनके कम से कम, मैं पूछ रहा था, हम लोगों ने देखा है, हम उनके शिष्य हैं, आते जाते रहते हैं, तकरीबन 50+ देशों में उन्होंने कार्यक्रम किए हैं और वहाँ के लोग इनसे शिक्षा दीक्षा लेते हैं। तो इस विद्या का प्रचार पूरे विश्व में हो, मानव कल्याण के लिए हो, सनातन का डंका बजे, भारत विश्व गुरु बने, ऐसी योजना रचना में मैं भी बिहारी के साथ प्रयास कर रहा हूँ। ज्योतिष महाकुंभ के आयोजन में देश विदेश के ज्योतिष शामिल हो रहे हैं, जहाँ पर विश्व कल्याण की कामनाओं के साथ ही इस महाकुंभ का आगाज किया गया। लिहाजा आज पूरी अयोध्या नगरी राममय नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राघवेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। तो अयोध्या में लाखों की संख्या में भगवान राम के भक्त पहुंच रहे हैं। 22 जनवरी 2024 में भगवान राम अपने घर में विराजमान होंगे, जिसके साक्षी बनने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंच रहे हैं। उनके लिए अयोध्या में टेंट सिटी भी बनाई गई है, जिसमें 5 सितारा और 3 सितारा होटल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। तो उनका आने जाने की व्यवस्था भी ध्यान में रखते हुए हमने ये बनाया है। ये विकास प्राधिकरण के सहयोग से हमने ये तैयार किया है। और अगर इसकी सुविधाओं की बात करें तो जो भी सुविधाएं आपको एक 5-स्टार होटल में मिलती हैं, जैसे कि जो भी आपकी सुविधाएं आपको होटल में मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं। अच्छा, कितने रूम यहाँ पर तैयार किए गए और क्या लगता है, क्या वास्तव में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद भी यात्रियों का आने का सिलसिला लगातार रहेगा, उस तरह की तैयारी है या सिर्फ ये टेम्परेरी है? सर, ये 30 रूम हमने यहाँ पे तैयार किए हैं और टेम्परेरी तो नहीं कहूंगा, क्योंकि हमने एक लंबा विजन यहाँ के लिए रखा हुआ है, जो आगे वाले आने वाले समय में हम और भी उसको अच्छा करने के है सोच में है। और यहाँ पे हमारे 2 प्रोजेक्ट हैं सर, एक ये है और एक अपना नया घाट के पास में है, जिसमें 38 रूम के आसपास है। अच्छा, ये यानी अलग अलग जो है टेंट सिटियां बसाई जा रही है पूरे अयोध्या में। अच्छा, सबसे खास दिन तो वह 22 जनवरी का होगा, चूंकि माना जा रहा है लाखों लाख श्रद्धालु यहाँ पर होंगे और फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के वैज्ञानिक तक और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी उस दिन अयोध्या में होगी। मुमकिन है कि लाखों श्रद्धालु अयोध्या में रहें, उन्हें भटकना ना पड़े, उसे लेकर के भी कहीं ना कहीं आपने एक डेटा की तैयारी की होगी, लोगों के रहने की व्यवस्था की होगी। और सबसे नजदीक राम जन्मभूमि से आप हैं, इसके अलावा सरयू तट से भी नजदीक कहीं ना कहीं आप हैं, तो क्या कुछ तैयारियां उससे रिलेटेड की है आपने? सर, तैयारियों की बात करें तो जो हमने तैयार किए हैं टेंट्स, हमारे पास जो रेस्टोरेंट है, वो सभी उन श्रद्धालुओं के लिए है जो कि यहाँ पे आएंगे, और उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने ये सब तैयारियां की हैं। साथ में जब आपने होटल में एंटर किया होगा तो आपको एक पादुका दिखी होंगे, जो कि 10 फीट लंबे पादुका है, जो कि ये दर्शाते हैं कि आप एक सनातन धर्म नगरी में हैं। और दूसरा, हमारे पास एक कल्चरल प्रोग्राम के लिए हमने एक अलग से स्टेज बनाया हुआ है, जिसमें हमने प्लान किया है कि आने वाले समय में रामलीला या भजन संध्या टाइप का हम डेली शाम को। रूम किस तरह से हम चाहेंगे दिखाते रहें आप और बताते भी रहें कि क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, ये टेंट सिटी का यह रूम है और रूम पर भी बाकायदा ये नंबरिंग की गई है, 1-4 जैसा कि ये नंबर लिखा हुआ है, ये सीधे बार करता है कि हम 124 नंबर रूम में इस वक्त पहुंच रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों में चूंकि इसे शुरू होना है, इसलिए पूरी तरह तो तैयार नहीं कहेंगे, लेकिन 80-90% लगभग कार्य हो चुका। और ये पूरा रूम देखिए आप, 5 सितारा होटल का जिस तरह से रूम होता है, उस रूम का लुक दिया गया है, बेड लगाया गया है, सोफा भी पड़ा हुआ है, टीवी भी लगी है, एसी भी लगी है, यानी वो तमाम सारी सुविधाओं से युक्त इस रूम को तैयार किया गया है, जो 5 सितारा और 3 सितारा होटल में होती है। कृष्णकांत जी, आइए, कितना लंबा वक्त लगा इसे तैयार करने में और क्या कुछ तैयारी करने में चुनौतियां रही? सर, जो समय लगा वो था 45 दिन का, जो कि हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन थी, लेकिन हमने, हमारी टीम ने, हमारी सभी लोगों ने मिलकर जो प्रयास किया है,
ADA के सहयोग से, वो बड़ा सफल रहा है और 45 दिन में हमने उसको बना के तैयार किया है। तो ये जो वॉशरूम वगैरह है या कैसे कैसे आपने किया, फर्श भी मैं देख रहा हूँ ये परमानेंट वाली फर्श भी आपने तैयार की हुई है, टीवी सेट वगैरह भी आपका जो है अच्छी तरह से मेंटेन है। ये हमारा वॉशरूम एरिया है सर, जो कि आप देख सकते हैं कि सारी सुविधाओं से लैस है। आपको जो भी होटल में आपको सामान मिलता है, हेयर ड्रायर, शैम्पू, शावर जेल, जो भी आपको एक होटल में मिलता है वो सभी सुविधाएं हैं। आने वाले समय को जनवरी को देखते हुए जो कि सर्दी का मौसम रहेगा, तो कि उसके लिए हमने एक हर एक रूम के अंदर ब्लोअर भी दिया हुआ है, ताकि अगर कोई रुकता है तो उसको ठंड का ज्यादा वो ना। अच्छा, एक बात अभी आपने कही कि कल्चरल प्रोग्राम का जो है एक तैयारी की गई है, यानी जब अयोध्या में कोई भी यात्री आपके यहाँ ठहरे रुके तो उससे कहीं ना कहीं सनातन धर्म क्या है, अयोध्या क्या है, उसकी वानगी जरूर देखते मिले, तो वो आखिर क्या तैयारी है, कहाँ किस तरह के कार्यक्रम प्रतिदिन यहाँ पर होंगे? सर, यहाँ पे हम रामलीला और भक्त जो अपना भजन संध्या टाइप का जो रहता है वो हम करने का प्रोग्राम है हमारा। वो जगह कौन सी, ये जगह है, मुझे लग रहा है यही इसी जगह पर जो है आपने इसी स्टेज पे हमारा प्रोग्राम है कि हम रामलीला या भजन संध्या शाम को रेडी क्या करेंगे, ताकि जो भी श्रद्धालु लोग आएंगे वो भी थोड़ा सा टच में, मतलब उनके अंदर भी एक टच रहेगा कि हाँ हम एक अयोध्या में श्री राम की नगरी में रखे हुए हैं। अच्छा, इस पे किसी न किसी या तो किसी दिन पाठ होंगे और या फिर जो है रामायण कालीन उन दृश्यों को दिखाया जाएगा जिनका सीधा सरोकार रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। भगवान राम की एक झलक देखने के लिए आज हजारों करोड़ों राम भक्त लालायित है। वो दिन ऐतिहासिक दिन होगा जब भगवान राम अपने घर में विराजमान होंगे, जिसके साक्षी हम और आप होंगे। अयोध्या से राघवेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।